लेट्स कंटिन्यू विथ अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। अब तक आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें हैं बताने की, जो ध्यान रखने की हैं, वो सारी मैंने आपको क्लासेस में मेंशन की है। आप वो बातें याद में रखते हुए हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इस 30 डिग्री। मतलब बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से, मतलब बिल्डिंग, ये हमने बिल्डिंग ले ली, ये टावर ले लिया, इस 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कौन बड़ा होगा? जिसका एंगल ज़्यादा है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो बिल्डिंग की हाइट कम है, ये बिल्डिंग है एंड दिस इज टावर। बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये बनेगा इज 30 डिग्री। एंड सेकेंड पार्ट में हमें दिया था एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से खड़े होकर के हमने टावर के टॉप को देखा तो ये एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमको टावर की हाइट दे रखी है कि ये 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको ये हाइट कैलकुलेट करना है और हमें इसके बीच का डिस्टेंस भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। बात समझ में आई कि जनरली है कि भाई आपने एक बिल्डिंग के उधर खड़े होकर के टावर के टॉप को देखा, टावर के बॉटम पे खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो दो साइड आप नीचे खड़े होकर ऊपर ही देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए। हाँ, तो आपका इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो इसमें एक्चुअली तुम्हें बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉस लाइक दिस। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि बिल्डिंग इज स्मॉलर देन टावर। हाँ, टावर की हाइट 50 है तो बिल्डिंग की हाइट 50 से कम आएगी, ये चीज़ माइंड में आ जाना चाहिए। तो ए बी सी डी, तो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी इज टावर और सी डी आपका क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, एच मान लिया। अब देखो किस ट्राइंगल में लगाने पे पता चलेगा कुछ, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस एक्स है, दैट इज बी डी। तो यदि हम इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे ए बी डी में, अच्छा ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा, बिल्डिंग भी सीधी खड़ी है, टावर भी सीधा, तो दोनों पे एंगल 90 डिग्री शो करो। अब हमारा एक बार हम ट्राइंगल ए बी डी में लगा दें, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो 10 एंगल क्या है ए बी डी में? एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल है, हाँ 30 नहीं है। तो 10 60 इक्वल टू क्या हुआ? ए बी अपॉन बी डी। 10 60 की वैल्यू होती है √3। हमें हाइट ऑफ द टावर पता है 50, बी डी को हमने अज्यूम किया था x, तो x की वैल्यू, x इधर √3 इधर, 50 अपॉन √3 मीटर। हाँ, और रेशनलाइज करोगे तो x क्या हो जाएगा? √3 न्यूमरेटर में और नीचे 3, 50 √3 अपॉन 3 मीटर x की वैल्यू आ गई। पर हमारा इंटरेस्ट x की वैल्यू में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इस h में है, पर बिना x निकाले h नहीं निकलता, इसलिए हमने पहले उसको निकाला। अब हम लगा दें इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी 10, अब एंगल क्या है? ये एंगल, इधर का एंगल 30 डिग्री है, तो 10 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। 10 30 की वैल्यू है 1/√3, एच हमें पता नहीं, एक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 50 √3 अपॉन 3, 50 √3 अपॉन 3, ठीक है। रेशनलाइज पार्ट रख रही हूँ मैं, बाद में एक और तरीके से बताऊँगी। तो देखो ये √3 से ये √3 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो h इक्वल टू ये 50/3 एज इट इज इधर न्यूमरेटर में आएगा, तो हाइट ऑफ द टावर आपकी क्या आ जाएगी? 50 अपॉन 3 मीटर। 50/3 इसको 3 से कैंसिल करते तो 16 3 = 48 बचेगा 2, तो 16 2/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। हम इसको लिख सकते थे 16.666, तो 666 होता है तो उसको 67 क्योंकि 666 आएगा, पर एनसीईआरटी में जो आंसर है वो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है 16:2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप ऐसा लिखें। अच्छा, यहाँ पर जिसको भी डाउट है एक बार फिर से देखो,
ये जो कैलकुलेशन थी ना, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 50√3/3, ये नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो ये क्या होगा, 50√3/3, और इसकी यहाँ पर ऑलरेडी ये 1/√3 है एंड दिस इज इक्वल टू एच। यदि वहाँ पे कैलकुलेशन में समझ ना आया हो तो ये वाला पार्ट देख लो, ये नंबर पूरा इधर ट्रांसपोज हुआ एज इट इज़ और ये 1/√3 एज इट इज़, ये √3/√3 कैंसिल, क्या बचा 50/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आने के बाद आपको ये भी पता चल रहा है कि मैं इसको रैशनलाइज नहीं करती तो भी चलता, मैं एक्स की जगह जब 50/√3 ही रख देती तो मेरा यहाँ पर क्या आता, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 50/√3 ये आता। तब क्या हो जाता यदि मैंने ऐसे लिखा होता तो, हाँ ये √3/√3 तब कैंसिल नहीं होते, ये यहाँ पर होता तो कैंसिल होता, अपॉन में है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 50/√3 और ये 1/√3 एज इट इज़, तो h की वैल्यू क्या आ गई 50/3, मतलब वही 60:2/3। ठीक है, जैसे अच्छी लगे वैसे कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पोल हैं सेम हाइट के, सड़क के इधर उधर लगे हुए हैं, अब इनके बीच में किसी भी पॉइंट से, हाँ इनके बीच में किसी पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया, जैसे आपको इस तरह का भी दिखता है हमको रोड पे, या ऐसे बहुत सारे पोल्स लगे हैं, तो इस तरह से यदि हमने दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, इन दोनों की हाइट इक्वल है, मैं इससे बनाती हूँ, चलो कहीं और ही बना देती हूँ, यहाँ पर क्यों बनाऊँ, अच्छा डायग्राम, चलो एक ऐसा, ये डिस्टेंस, दूसरा भी उतना ही बड़ा। अब इसके बीच में किसी पॉइंट से, नॉट मिड पॉइंट, हमने एक बार इसके टॉप को देखा और एक बार इसके टॉप को देखा, हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे, यदि हम मिड पॉइंट से ढाकते, सेम मिड पॉइंट पे खड़े होते तो दोनों पोल की हाइट सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू सेम आती। हाँ तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक इधर है एक उधर है, हाँ विच इज़ 80 मीटर वाइड, हमको क्या बोल रखा है कि रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ी है, दिस रोड इज 80 मीटर वाइड, ए बी सी डी आपके क्या हो गए पोल्स, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपके क्या हैं पोल्स, और बी सी आपकी क्या हो गई रोड, हाँ बी सी इज रिप्रेजेंटिंग रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30, जो पास है उसका एंगल 60, जो दूर है उसका एंगल 30, बेसिक है, हाँ छोटी सी बात है, जो पास में होगा ऊपर तो एंगल 60, दूर है उसका एंगल 30, ये ड्रॉ करते वक्त बहुत छोटी छोटी बातें, एकदम बारीक बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, टीचर को पता चलेगा भाई इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो हमें पोल्स की हाइट भी निकालनी है जो ऑब्वियसली इक्वल है, और डिस्टेंस भी निकालना है कि ये कितनी दूर है और ये कितनी दूर है, ये दोनों डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करने हैं। तो यदि मैंने इस डिस्टेंस को x अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को बोल दिया d, और मैंने मान लिया कि BD की वैल्यू x है, तो अब आप बता सकते हो CD क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दूँ y लेने के बजाय, आई कैन टेक y ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, यू कैन टेक y ऑल्सो कि ये y है, हाँ या हम क्या कर सकते हैं, हम वन वेरिएबल में काम कर सकते हैं, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ये इतना एक्स है और ये पूरा 80 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 - x, या आप ऐसा लिखते एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, तो वाई इज रिप्लेस बाय 80 - x, तो डायरेक्टली वन वेरिएबल में कर सकते हो तो कर लो, टाइम कम लगेगा। तो हमने सिंपली क्या किया, एक का हाइट एच, दूसरे की भी हाइट एच, ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 80 - x, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल 60, एक एंगल 30। ठीक, अब हम क्या करें, और ये 90 भी शो करना ही चाहिए, ये इस तरह से आपका डायग्राम बन गया, ए मैंने तो जो लिखा था मैं वही लिखूँगी, चलो मैं उसी डायग्राम पे करती हूँ ना, मैं क्यों दूसरे डायग्राम पे शिफ्ट होने लग गई। अब आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी 90, ये भी 90, ए बी डी लग तो यहाँ 10 ही रहा है, हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं है, तो 10 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स,
1060 की वैल्यू रूट थ्री होती है, x इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, x रूट थ्री। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल बी, अच्छा डी वहाँ पे लिख दिया, तो बेटा इस पॉइंट को फिर कुछ और कर दो, पी कर दो, इन ट्राइंगल ए बी पी, तो इन ट्राइंगल डी सी पी 10 30, यहाँ पर एंगल क्या है 30, 10 30 इक्वल टू एच अपॉन y, y इज 80 माइनस x, y लिखना है तो y लिखो, आई विल प्रेफर टू राइट 80 माइनस x, जितना कम स्टेप्स में काम हो जाए उतना बेहतर। 10 30 वन बाय रूट थ्री है, h की जगह हम क्या लिख सकते हैं x रूट थ्री, तो यहाँ हम लिखेंगे x रूट थ्री और अपॉन में 80 माइनस x। अब ये इधर जाएगा, रूट थ्री इधर आएगा, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो इधर आपका आया 3x, और 1 से 80 माइनस x मल्टीप्लाई हुआ तो 80 माइनस x इक्वल टू 3x, तो ये माइनस x है उधर जाकर प्लस होगा, तो 80 की वैल्यू 3x प्लस x क्या होता है 4x, 4 से 80 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई x की, x आ गया 20 मीटर। तो क्या पता चला, जो पहला पोल है ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर, जो 30 डिग्री के एंगल पे है वो 60 मीटर दूर है, जो 20 मीटर दूर है उसका एंगल 60 डिग्री है। अब हमें निकालनी हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल क्या था x रूट थ्री, और x की वैल्यू क्या है 20, तो हाइट ऑफ द पोल क्या आ जाएगी 20 रूट थ्री मीटर, रूट थ्री की वैल्यू दी हो तो रखनी है, नहीं तो यही आंसर है, हाइट ऑफ द पोल से 20 रूट थ्री मीटर, डिस्टेंसेस क्या हो गए 20 एंड 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नदी है, नदी के पास में एक टावर है, टीवी टावर है, टीवी ट्रांसमिशन टावर लाइक दिस, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ केनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, नदी के केनाल के दूसरी साइड से ये टावर है और इसके दूसरी साइड से, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, टावर खड़ा है ए बी सी, फिर हमको बोला है फ्रॉम अनादर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, हमने इस लाइन को फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन किया और इस पर 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, तो पॉइंट किधर आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, दूर जा रहा, हाँ एंगल बढ़ गया मतलब यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, तब आपका एंगल क्या है 30 डिग्री, 20 मीटर दूर, जैसे वो बच्चे वाला क्वेश्चन था, बच्चा उधर जा रहा था तो उसका एंगल बढ़ गया था, अभी दूर जा रहा है तो एंगल कम हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द केनाल, हमको क्या करना है इसकी विड्थ भी निकालनी है और इस टावर की हाइट भी कैलकुलेट करनी है, और हमें ये सब वैल्यूज गिवन है कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, देखो एक ना एक डिस्टेंस ऐसा, जब डबल ट्राइंगल बनता है तो एक ना एक डिस्टेंस आपको गिवन होता है, ठीक। तो लेट मी क्लियर दिस, ओके नाउ इट्स फाइन। अब आप देखो कि आपका ए बी सी डी, ए बी क्या है टावर, बी सी क्या है केनाल, बी सी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रही है केनाल, और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टावर, टीवी ट्रांसमिशन टावर। अच्छा इस क्वेश्चन का डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, तो आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, पर जरूरी नहीं कि एग्जाम में दिया हो। अब हमें ये हाइट भी निकालनी है टावर की और ये केनाल की विड्थ भी निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है, तो हम क्या करें, हम फिर से पहले इस ट्राइंगल में लगा लें, ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में 10 60 की वैल्यू क्या हो गई h अपॉन x, 1060 रूट थ्री होता है, x इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो h की वैल्यू रूट थ्री एक्स या x रूट थ्री आ गई, बहुत सारे क्वेश्चन में आ गई अभी तक, हाँ अब आप समझने लग गए होंगे आई होप कंसेप्ट। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला 90 डिग्री ज़रूरी है, ये नहीं ले सकते, आपको ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी 10 एंगल क्या है 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन बेस ये पूरा है दैट इज 20 प्लस x, तो अपॉन में क्या आएगा x प्लस 20 या 20 प्लस x,
एच की वैल्यू हमने निकाली है एक्स रूट थ्री, सब्सिट्यूट कर दें और 10/30 की जगह आएगा 1/√3, एच की जगह हमने रखा एक्स रूट थ्री और अपॉन में एक्स प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर इधर ये इधर, 1 से मल्टीप्लाई होगा नंबर सेम टू सेम आएगा, दैट इज़ एक्स प्लस 20 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो √3 × √3 क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मतलब 3x, ये x इक्वल टू के उधर जाकर माइनस होगा तो 3x में से x माइनस हुआ 2x और इक्वल टू 20 है, 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 meters, x क्या था विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ कितनी आ गई 10 meters। अब हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द रिवर में रिलेशन था h वॉज एक्स रूट थ्री, तो x की जगह 10√3, तो टावर की हाइट है 10√3 और रिवर की रिवर नहीं है सॉरी कैनाल है, कैनाल की विड्थ क्या आई 10 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, क्या बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर का, मतलब टावर और भी ऊपर है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर आप टावर को ऊपर देखोगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखते तब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता, हाँ तो ये बातें समझने की है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 degrees, तो देखो ये एक बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, अब हमने क्या किया बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर इसके एंगल के टॉप को देखा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा वो कितना गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, तो दिस इज 7 meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 degrees, तो ये एंगल कितना है 60 degrees, ए बी हमारी क्या हो गई बिल्डिंग और सी डी हमारा क्या हो गया केबल टावर, लिखना आप ए बी बिल्डिंग सी डी केबल टावर। अब आपको बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका फुट, यहीं से इसके फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये, तो कहाँ बनेगा यहाँ पर इज 45 degrees। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है तो अब देखो सबसे पहले तो ये सब हटा दो बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर क्योंकि आपको एक्चुअली डायग्राम ऐसे ही बनाने हैं कि ये टावर है ये बिल्डिंग है, हाँ ए बी हमारी बिल्डिंग है, ए बी इज बिल्डिंग सी डी इज टावर, तब आपको ये तो पता ही है ना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो 45 इधर ट्रांसपोज हो गया, ये बेस हमने मान लिया एक्स तो ये बेस भी क्या हो गया एक्स, इस पॉइंट को हमने ले लिया ई, ठीक है तो इस पॉइंट को हमने ले लिया ई, तो अब हमारा क्या हो गया ये एंगल 90 ये एंगल 90, अब हम इस ट्राइंगल में लगा दें तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, आप ऐसे साइड्स की टर्म में भी लिख सकते हो, 10 45 की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी हमें पता नहीं है एक्स लिया हमने तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 meters, हाँ ये डिस्टेंस हमको क्या पता चल गया कि भैया ये डिस्टेंस तो 7 meters है तो ये भी कितना हो गया 7। अब हम क्या करेंगे हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये हाइट हमने मान ली एच की, डी ई जो है वो एच है तो इन ट्राइंगल ये एंगल भी क्या होगा 90, इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी एंगल है 60 तो 10 60 इक्वल टू एच अपॉन 7, 10 60 की वैल्यू √3 है तो √3 इक्वल टू एच अपॉन 7 तो 7 इधर एच उधर ही है h इक्वल टू आ गया 7√3, तो हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इज एक्चुअली फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये 7 है तो अपोजिट साइड ये भी 7 हुई और ये हाइट हमारी क्या आई 7√3, तो पूरी हाइट क्या होगी इन दोनों का सम, तो हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 प्लस 7√3। अगेन अब आप कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ चुके हो, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होता है, 7 कॉमन लेंगे बीच में 1 प्लस √3 बचेगा, आप √3 आगे लिखो 1 पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7√3 प्लस 1 meter लिखो ये भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, मीटर लिख देना तो ये आपका हाइट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लाइट हाउस है,
हाँ समुद्र में लाइट हाउस होता है, अपन ने उसमें भी किया था, क्या नाम है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, तो वही कंसेप्ट है कि वो लाइट थ्रो करता है कुछ एरिया में ताकि शिप्स को सिग्नल मिले। तो ये कोई शिप आ रहा है जिसको सिग्नल भेजना है, तो एक साइड में आपके दो शिप्स है, लाइट हाउस है और दो शिपें एक के आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, ये देखो बड़ा सुंदर सा डायग्राम, बड़े ढूंढ ढूंढ के बनाने पड़ते हैं हाँ, ताकि आपको इमेजिन नहीं करना पड़े, आपके दिमाग में सब सारी पिक्चर देखते ही आ जाए कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से 75 मीटर ऊपर, सी लेवल ये हाँ, यहाँ पर 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है ए बी, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। अब हमारे सामने दो शिप्स हैं और उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है, ठीक है, तो जो दूर है उसका एंगल 30, जो पास है उसका एंगल 45। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको पता है लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी और ऐसे आएगा, तो ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल पूरा कितना होगा 45। ये एंगल के साथ ये लाइन गई तो ये एंगल क्या हो गया आपका 45, और उस वाले के साथ ये लाइन गई है तो ये एंगल आपका क्या हुआ 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब ये क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि शिप आइदर साइड है, एक इधर एक उधर, दोनों सेम साइड पे है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक, अब इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमें ये भी नहीं पता है, पर ये 45 देख के अब तुमको समझ में आने लग गया ना कि ये 75 है तो ये 75 आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते पर दिमाग में क्लिक करने लग गया ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए बी सी डी, तो हमारा यहाँ डायग्राम में ए बी क्या है, लाइट हाउस, ए बी इज लाइट हाउस और सी एंड डी आर पोजिशन ऑफ शिप्स, पोजिशन ऑफ शिप्स, ठीक, डायग्राम हमने बना दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी 10 45 इज 1, ए बी की वैल्यू 75, बी सी हमें पता नहीं है, मैंने बी सी को इसीलिए अज्यूम नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो तो यही आ जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ चुका है, दिस इज 75 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, हम लेंगे ये वाला एंगल, तो इस एंगल के साथ आपको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये पूरा ट्राइंगल, दिस फुल ट्राइंगल यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रेक, हाँ, तो अब हम इस इन ट्राइंगल, आप चाहें तो पूरे ट्राइंगल में लगा सकते हैं, ये इतना सा एक्स लेने के बजाय ये पूरा ले सकते हो ए डी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरह से बता दूंगी, इन ट्राइंगल ए बी डी, हाँ हम यदि पूरा ले रहे हैं तो 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, 10 30 इज ए बी अपॉन बी डी, हाँ 10 30 इस एंगल की वैल्यू, ये बे परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, ये तो आएगा। अब बी डी को हम एक्चुअली लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, या हम पूरा बी डी लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से बताती हूँ, एक बार पूरा बी डी लेकर के सॉल्व कर रही हूँ, तो 10 30 होता है 1/√3, ए बी तो 75 है, बी डी हमें पता नहीं, तो अब देखो ये क्रॉस में जाएगा, बी डी इधर, रूट थ्री इधर, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई 75 मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, तो 75√3 मीटर, एक तरीका। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे ये थोड़ी निकालना है बी डी, मुझे तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या है, बी डी में से बी सी को माइनस कर दें, तो इसके बाद आप कर सकते हो एक्स इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, बी डी हमने निकाला है 75√3 और बी सी की वैल्यू है 75, अब तो पता है ना कॉमन लेना, तो 75 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1 मीटर, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 75 × √3 - 1 मीटर, एक तरीका। दूसरे तरीके में हम यहाँ पर हमको x ही निकालना था, तो हम इसके बाद बी डी को क्या लिखते, 75 अपॉन 75 प्लस x लिख देते हैं, यहाँ पर
75 + x (1/√3) = 75/75 + x ऐसा लिख देते। फिर उस केस में आपका सॉल्यूशन में क्या चेंज होता, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाता, रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई होता, ये 75√3, ये 75 + x इधर आता, तो 75 + x = this। तो x की वैल्यू अभी भी यही हुई 75√3, ये 75 उधर जाकर माइनस हो गया, और फिर आपने 75 कॉमन ले लिया, तो आंसर तो यही आएगा 75√3 - 1। जो इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल लगे, वो यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट एयर बलून, बड़े सुंदर लगते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बच्ची है, उसने देखा वाओ हॉट एयर बलून, तो किस हाइट पे उड़ रहा है, कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो वो जा करके अपनी मम्मी को बुला करके लाई, उतनी देर में वो बलून थोड़ा आगे चला गया, सेम हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई करते हुए थोड़ा आगे चला गया। तो ऑब्वियसली अब तुमको पता है जब पास में था तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, जब दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। तो आपको बताना है कि वो बलून कितना दूर चला गया, जैसे पहले इस पोजीशन पे था और अब इस पोजीशन पे चला गया, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है जो ट्रेवल्ड बाय बलून, इतने टाइम में बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको लड़की की हाइट दी हुई है 1.2 meter tall girl, 1.2 meter tall girl, ठीक है। तो क्वेश्चन का डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, 1.2 meter tall girl, तो ये लड़की जो है इसकी हाइट है 1.2 meter, और बलून किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, दैट इज 88.2 meter, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसके साथ क्या दे रखे हैं, ये वाला एंगल है आपका 60 degree, और ये वाला एंगल है आपका 30 degree, ठीक है। ये वाला एंगल है 30 degree, और ये पूरा एंगल है 60 degree। ये हाइट कांस्टेंट है, ये 88.2 है, ये भी 88.2 है, और हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। जैसे भी हमने शिप के बीच में डिस्टेंस निकाला था, वैसे अब हमें इन दोनों पोजीशंस, जो उनकी पोजीशंस है, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करें, तो वही ट्राइंगल में लगा दो, ये एंगल 90 degree, ये एंगल भी 90 degree। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये फिर से रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 1.2 हुआ, तो ये जो हाइट है, दिस मच हाइट, ये क्या हो जाएगी, 88.2 - 1.2 = 87 meter। ये जो हाइट है वो h आपकी, ये जो h है उसकी वैल्यू 87 मीटर होगी, नॉट 88.2। अब हम लगा दें इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई, तो ट्राइंगल ले लिया हमने पहले ए बी सी या ए सी बी, तो 10 60, इसमें पूरा एंगल है, तो 10 पास वाला एंगल बड़ा होता है, इक्वल टू एच अपॉन, ये बेस हमें पता नहीं है, इसको मैंने एक्स ले लिया, 10 60 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू 87 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन √3। रेशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में √3 आएगा और डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 29 3 87 होता है, ये कैंसिल होके 29 आया, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 29√3 meter, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 29√3 meter, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, तो अब हम ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करें इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए डी ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी, 10, अब एंगल क्या है 30, इक्वल टू एच अपॉन, और अब मैं पूरा ही ले रही हूँ, हाँ आई एम नॉट टेकिंग ओनली दिस पोर्शन, आई एम टेकिंग फुल पोर्शन, मुझे निकालना ये डिस्टेंस है। पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप चाहें तो इस पूरे को अज्यूम कर सकते हैं या इतने को कर सकते हैं, जैसा तुम्हें ईजी लगे, मैं पूरा निकाल के माइनस कर दूंगी। तो मैंने इस फुल डिस्टेंस को वाई अज्यूम कर लिया, तो 10 30 इक्वल टू एच अपॉन वाई, 10 30 1/√3 है, और एच की वैल्यू है 87,
अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, ये रूट थ्री उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 87√3। तो हमको जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, आप प्रॉपर लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो 87√3 माइनस 29√3। तो √3 √3 दोनों के पास है तो √3 तो आएगा, ये आ गया 8, ये आ गया 5। तो 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इन दिस मच टाइम इज 58√3 मीटर। और यदि तुम्हें टाइम पता होता कि ये 2 सेकेंड में हुआ, 5 सेकेंड में हुआ, 10 सेकेंड में हुआ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम स्पीड निकाल सकते थे कि बलून किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं एरोप्लेन के, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक कार जा रही है वो हाईवे पे, तो वो जा रही है तो उधर रास्ते में टावर आएगा। अब एक बंदा टावर के टॉप पे खड़ा होकर के देख रहा है कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब कार टावर की तरफ आ रही है, एंगल 30 से 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये आपकी कार आ रही है, वो आपका टावर है, टावर के टॉप पे खड़ा होकर कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि कितनी देर में आ रही है। हाँ, तो हम इसका डायग्राम बनाएं। तो देखो, ये तो आपका बेस हो गया, ये आपका टावर, ये आपका फर्स्ट पोजिशन ऑफ द कार। तो हमने ए बी ले लिया टावर, ठीक है। सी आपकी कार की फर्स्ट पोजिशन, और एंगल क्या बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल यहाँ बनेगा 30 डिग्री था पहले, बाद में पास आएगी तब 60 होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, एंड यू नो दैट ये ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये एंगल क्या आ गया, 30। अब 6 सेकेंड बाद हमने इसी कार को ऑब्जर्व किया, 6 सेकेंड बाद उसकी पोजिशन चेंज हो गई, तो हमारा एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री। अब कार इधर जा ही रही है, हाँ ये कार इधर जा ही रही है, तो थोड़ी देर बाद कार उस पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो ये कार इधर आ रही है तो ये यहाँ आ जाएगी, तो हमें बताना है कितनी देर में कार इस पोजीशन पे पहुंच गई, हाउ मच टाइम। अब चक्कर क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहली बात तो कि हमको ये भी नहीं पता है कि कार की स्पीड क्या है, हमें टाइम भी नहीं पता है, हमें स्पीड भी नहीं पता है, हमें हाइट भी नहीं पता है, हमें इसकी हाइट भी नहीं पता है टावर की। तो देखो, टावर की हाइट को हमने अज्यूम कर लिया h, और लेट हमसे पूछा टाइम है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड जो है कार की वो भी अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। सेकेंड में क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमें टाइम क्या दिया हुआ था, 6 सेकेंड। यदि हमें 1 घंटा 2 घंटा दिया होता तो हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में अज्यूम कर सकते थे, इसलिए हमने स्पीड किस में अज्यूम की, 6 सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। अब आपको क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसका स्पीड इनटू टाइम होगा। तो आपका सी डी क्या हो गया, स्पीड है एक्स और टाइम लगा 6 सेकेंड, तो 6 × x, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, 6x। तो अब हम यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा उस टाइम को हम अज्यूम कर लें y सेकेंड, कि लेट टाइम रिक्वायर्ड बाय कार टू रीच द टावर, रीच टावर इज y सेकेंड। तो यदि हमने टाइम को y सेकेंड अज्यूम कर लिया तो ये डिस्टेंस BD क्या होगा, स्पीड तो x है, टाइम क्या है, y, तो ये क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज xy। तो आपका BD इक्वल टू क्या हो गया, xy। और हमने अज्यूम किया है हाइट ऑफ द टावर इज h। अभी आपको दिख रहा होगा देयर आर 3 अननोन वेरिएबल्स, x भी नहीं पता, y भी नहीं पता और h भी नहीं पता, और निकालना सिर्फ y है।
कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बेसिक नॉलेज है वो अप्लाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो क्या हुआ, हम फिर से वही काम करेंगे, ट्राइंगल में लगा दें, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 60 इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एक्स वाई। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री, एक्स वाई इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो h की वैल्यू क्या हो गई, रूट थ्री टाइम्स एक्स वाई, ये रिलेशन आ गया। फिर हम किस ट्राइंगल में लगा दें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल क्या है अब 30, टेन 30 इक्वल टू, टावर की हाइट अभी भी h है, और ये डिस्टेंस पूरा क्या हुआ, 6x प्लस एक्स वाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6x प्लस एक्स वाई। एच की जगह मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, ये सब्सटीट्यूट कर दूँ, और टेन 30 की वैल्यू 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू एच की जगह क्या आ गया, रूट थ्री एक्स वाई, और अपॉन में एज इट इज़ लिखा 6x प्लस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया, थ्री एक्स वाई, और इधर 6x प्लस एक्स वाई। यू कैन सी x सबके पास है, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो x x x, या नहीं अच्छा लगे तो आप सिंपली माइनस कर लो इस एक्स वाई को उधर ले जा करके, तो 6x इक्वल टू थ्री एक्स वाई में से एक्स वाई माइनस हुआ तो बचेगा 2xy, हाँ 6x इक्वल टू 2xy, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6x डिवाइडेड बाई 2x, x से x कैंसल, 2 3 ज़ा 6, तो y क्या आ गया, 3, यूनिट क्या थी, सेकेंड, तो टाइम क्या आया आपका, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो इस साल आपके सिलेबस से बाहर है पर मैं करवा देती हूँ। आपको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स, एक टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हो दो पॉइंट से, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स मेंशन नहीं है कि एंगल की वैल्यू क्या है, बस ये बोला है कि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एंगल यदि हमने थीटा लिया तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऐसा नहीं कि एक 30x60 भाई, एक 20x70 भी हो सकता है, 10 और 80 भी हो सकता है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आपको पता नहीं है तो आपने एक को थीटा एक को 90 माइनस थीटा, इसको इधर लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं हाँ, आपको यदि इनका डिस्टेंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, अब ये डिस्टेंस 4 यहाँ से है, बेस ऑफ टावर से इसका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और इसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, बेस से यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है। हाँ, ये ए बी हमारा टावर है, सी डी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री थे तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या अज्यूम कर लिया, एच, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है कि एच की वैल्यू 6 मीटर आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो गया इस साल, इसलिए क्वेश्चन नहीं आएगा, अदरवाइज ये आ जाता। तो अब आप देखें कि इसमें क्या होगा, करना वही है जो अभी तक कर रहे थे, एक बार इस ट्राइंगल में लगा दें ए बी सी में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन 4, बस इसको ऐसे ही रहने दो, एक कंडीशन ही आ गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब एंगल क्या आएगा, 10 90 माइनस थीटा, थीटा इज 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है और बेस पूरा क्या है 9, अच्छा 9 माइनस 4 करके 5 मत करना, उसका कोई यूज़ नहीं है, जनरली बच्चे मैम 9 माइनस 4 5, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, हाँ दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 9। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाते हैं, तो 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, तो कॉट थीटा की वैल्यू एच अपॉन 9 हो गई। अब आपको ये तो याद ही है कि कॉट थीटा इज 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9, हाँ तो इससे 10 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 10 थीटा की वैल्यू हो गई 9/h, ये भी 10 थीटा है, ये भी 10 थीटा है, सेम क्वेश्चन में ही है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट,
तो h अपॉन 4 की वैल्यू 9 अपॉन h के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h इंटू एच, एच स्क्वायर, 9 फोर ज़ा 36, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो h क्या आएगा 6 मीटर। यदि आपके मन में आया नेगेटिव भी आएगा, पर हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। पहले जब ये क्वेश्चन आता था तो इसमें बेटा ये जो 9 और 4 है इसकी बजाय आपको ऐसे भी दे देते थे कि ये ए है ये बी है, या ये बोल दिया ये पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, यदि ये पी है तो यहाँ पी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा क्यू, तो ये हो गया क्यू और ये हो गया पी, तो यहाँ पर पी और ये क्यू, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हो गया, तो एच की वैल्यू क्या हो जाती है अंडर रूट पी क्यू, ए बी की टर्म में हो तो ए बी रूट ए बी, तो सिंपल है जो भी वैल्यू दिए उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाती थी। With this, your applications of trigonometry is over. Thank you.